ये संसार दिखने में जितना अद्भुत लग रहा है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। इस संसार को देखते समय हमारे दिलो दिमाग में एक ही सवाल उठता है जिसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला, वो है इंसान का जन्म। ये इस संसार का चमत्कार है या फिर कोई एक अदृश्य महान शक्ति का जिसे भगवान कहते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वर्षों से कई लोग कोशिश करते आ रहे हैं, उन्हीं में से एक हैं ये। मेरा ये रूप देखकर तू डर गया। मैं तेरा क्या बिगाड़ सकता हूँ? हे भगवान, तुझे मेरी सूरत देखने में शर्म आ रही है इसीलिए दिया बुझा दिया। हनुमान के बाद मैं ही तेरा परम भक्त हूँ। कौन है जिसके लिए इतना प्रयत्न कर रहे हो, जिसके लिए तुम्हारे हृदय में इतनी तड़प है, जिसके चरणों में तुम यदा कदा अपना शीश नवाकर अश्रु बहाते हो, अभिषेक करते हो, वो हूं मैं। राम, परमात्मा, कम से कम अब तो मुझ पर थोड़ी दया दिखा दो। स्मरण करो, उस दिन जब तुमने मृक्षशिला के लोगों को श्राप दिया था तदुपरांत वो सभी आज नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरा परम भक्त होने के कारण मैं तुम्हें उस श्राप को रोकने में असमर्थ रहा और उनके अश्रुओं का लगा ये श्राप ही तुम्हारी इस परिस्थिति का कारण है। सहका, ये सच है। सिद्धि के अहंकार में मुझसे घोर अपराध हुआ है, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं है। कितने सदियों तक मैं इसी तरह भटकता रहूंगा प्रभु? त्रेता युग में छल से बाली का वध करने के कारण द्वापर युग में कृष्ण को वो परिणाम भुगतना पड़ा। देवों के देव और देवताओं का किया हुआ पाप भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे में तुम तो निमित्त मात्र हो। सुनो तपस्वी, तुम्हारी आत्मा की शांति और मृक्षशिला गांव के उद्धार के लिए मैं तुम्हें श्राप मुक्त मार्ग प्रशस्त करता हूँ, तथास्तु। धन्य हो श्री राम, धन्य हो आप श्री राम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी क्या हुआ? राम कृपा जी की आत्मा भगवान से विनती कर रहे थे। सब शुभ हो। ताम्रपत्र, ये यहां कैसे? मृगशिरा, यानी मैंने जो सपना देखा वो बिल्कुल सत्य है। कल सुबह ही हम दक्षिण प्रस्थान करेंगे। मैंने जो तुम्हें जगह बताई थी वो यही है। मैडम, बहुत सालों पहले महाराज बल्लाड़ देवराय जी इस जंगल का राज जानने के लिए अपने हजारों सैनिकों के साथ यहां पर आ तो गए, लेकिन इस जंगल से दोबारा लौट कर नहीं जा पाए। तब रानी अंबिका देवी ने इस मूरत की स्थापना यहाँ करके यह ऐलान किया था कि सीमा को कोई ना लांगे। उसके बाद कोई उस पार नहीं गया क्योंकि वहाँ एक सांप के आकार का पहाड़ है। सुना है आज भी हनुमान जी वहाँ तपस्या कर रहे हैं। हनुमान जी, यू मीन मंकी लॉर्ड? तुम्हारे जैसा पहले भी एक आया था, मेरी बात नहीं मानी और जंगल के अंदर घुस गया। मेरी आंखों के सामने चार बंदरों ने नोच नोच कर उसे मार डाला। यू इंडियंस सो सेंटिमेंटल फूल्स। आई विल गो इनसाइड। यहाँ रुकना सही नहीं है,
चलो लौट चलते हैं सर। अरे बेकार में क्यों डर रहे हो अंकल, जंगल में भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देना तो बहुत ही कॉमन बात है। हमने कैसे कैसे फॉरेस्ट देखे हैं आपको क्या पता, जिम्बाब्वे, अमेज़न, इस तरह के खतरनाक जंगलों में घूम चुके हैं। माना बड़े बड़े जंगलों में कुछ भी नहीं हुआ, पर यहाँ कुछ भी हो सकता है। यू जस्ट शट अप, लेट्स क्रॉस द रिवर, कम लेट्स गो। नहीं सर रुकिए, मंकी लॉर्ड, इसकी आवाज़ से भी हनुमान जी आ गए तो हम लोग कहीं फंस ना जाएं। नहीं नहीं, मंकी गॉड प्लीज काइंडली फॉरगिव मी, आई विल नेवर कम टू इंडिया अगेन, प्लीज प्लीज लीव मी, प्लीज लीव मी। It wasn't an ordinary snake. I saw some special powers. Please, come. Let's go. Hey, wait. आगे मत जाओ. I won't stop. आगे मत जाओ. अंकल, मैं उसकी तरह डरपोक नहीं हूँ. मैं जंगल के अंदर जरूर जाऊंगी. जिद मत करो बेटा. मैडम, आप आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से आए हैं. सरकार को कुछ झूठी कहानी बता देना, लेकिन लेकिन यहाँ से आगे जंगल के अंदर मत जाइए. सॉरी अंकल, सॉरी सर. अरे सर, मैडम का अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं उनके साथ जाऊं क्या? तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद को संभाल लूंगा सर, मैं लौट के आ रहा हूं। मैडम रुकिए, मैं भी आ रहा हूं। वाह मैडम, क्या है वो? इस जंगल में सोने का सिक्का, वो भी राजाओं के जमाने का। अच्छा, ये शोर कैसा है? नहीं मैडम, मुझे भी कुछ चुराई गया। रुक जाइए मैडम, रुक जाइए, आप जंगल के अंदर की तरफ मत जाइए मैडम। मैडम रुक जाइए, आगे मत जाइए मैडम। सांप छोड़कर डराए, जानवर की आवाज निकाल कर डरा है, उसके बाद भी ये लोग अंदर आ गए। गलती हो गई, हमें कुछ मत करा। इस मृगशिला गांव के अंदर कोई भी बाहर का आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, जो आएगा वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। क्या हुआ? इस हथियार में कभी खून नहीं देखा क्या तुमने? वो बात नहीं है, फिर हमारे गांव पर कोई हमला करने आया था क्या? डराया उन्हें, लेकिन वो डरे नहीं, इसीलिए लाश बिछा कर आ रहा। बाबूजी, लगता है कोई आया है। बाबूजी, ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं। इस गांव का नाम है मृगशिरा, क्या इस गांव की रक्षा प्रहलाद जी कर रहे हैं? जी हाँ, वो मैं ही हूँ, आप कौन हैं? मैं एक सांस हूँ जो इस शरीर में बसा है। इस साधु को अनंत कहते हैं, ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में मेरा निवास है, परशुराम जी की कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ।
कई साल पहले एक घटना हुई थी जिसकी वजह से गांव का एक मंदिर गायब हो गया था, जो आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया। आप सब भी उसे ही खोज रहे हैं ना? जी हाँ। वो मंदिर दोबारा प्राप्त होने तक आप सब कम आयु तक जीवित रहेंगे। जब तक वो मंदिर नहीं मिलता, आप सब श्राप मुक्त नहीं होंगे। वो मंदिर कहाँ है इसकी जानकारी हम सबको बताएगा ये ताम्रपत्र। हमें बस सब्र रखना है। जंगल में आने वाले की जिंदगी की परवाह किए बिना उन्हें काटने वाले ये हाथ आज आपके सामने जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, हमें फिर से मंदिर तो मिल जाएगा ना? इन्होंने अब तक जो भी कहा वो सब सच है, और ये जो भी कहने वाले हैं वो भी सच होगा। हमें इन पर विश्वास करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन के दिन ये घटना घटी थी, इसलिए जिस लड़के के हाथ में स्वयं लक्ष्मी देवी का वास होगा, उसके रक्त से यदि इस ताम्र पत्र को भिगा दिया जाए तो राम की कृपा से श्राप मुक्त होकर वो मंदिर फिर से प्राप्त होगा। लक्ष्मी की निशानी वाला वो क्या है? जब देवता और राक्षस क्षीर सागर में मंथन कर रहे थे, तब कामधेनु, कल्पतरु, अमृत के साथ महालक्ष्मी का आवाहन हुआ था। उसी महालक्ष्मी के आवाहन के शुभ मुहूर्त पर जन्म लेने वाले बच्चों में महालक्ष्मी की निशानी अथवा महालक्ष्मी का वास होता है। वैसा लड़का हमें कहाँ मिलेगा और वो कैसा होगा? क्या गुरु, एक ही मुक्के से खून निकाल दिया? अगर शरीफों वाली हरकत करता तो तेरा स्वागत मुक्के से नहीं फूलों से करता। अब तेरी जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ। ऊपर वाला आजकल बहुत बिजी है, इसलिए वो हर जगह पर तो नहीं हो सकता, तो वो अपने अवतार जगह जगह पर भेजता रहता है। उन्हीं अवतारों में से एक हूँ मैं। इंट्रोडक्शन तो मस्त है, जरा ये बताओगे कि तुमने मुझे मारा क्यों? क्यों मारा? हाँ। तुझे पता नहीं है क्या? मालूम है, देता हूँ। ये लो, इसे रखो। हो गया, अब मैं जा सकता हूँ। दादाजी देख लीजिए पैसे पूरे हैं क्या। पैसा अपने पर्स में कहाँ रखता हूँ बेटा, वो तो मेरे जेब में होता है। ओहो, पत्नी का फोटो पर्स में और पैसा जेब में। ये तो मुझे छोड़ के जा चुकी है बेटा, पैसा चला गया। ठीक तो। है ठीक है, ये लीजिए। नीचे का साफ सफाई हो गया है, अब ऊपर का बाकी है। हे प्यारे, पहले नाश्ता कर, उसके बाद बाकी चीजें। चल बैठ। सुनिए, लीजिए। बैलेंस भर देंगे जी? इस उम्र में भी तुम फुल्ली बैलेंस्ड हो, तुम्हें बैलेंस की क्या जरूरत? क्या, नाराज मत हो, मेरे जेब में जितने पैसे हैं सब का रिचार्ज करवा दूंगा। ओके। हाँ यार, वो नया आईपैड है। बेटी मैंने आईपैड के पैसे दे दिए हैं, पहले नाश्ता। पापा वहाँ रख दो ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जरा होल्ड जिसको पापा देखो है। फोन पर है, मेरा घर है या गांव का एक स्टडी बूथ? इस घर में बिना नेटवर्क का कोई टावर है तो वो सिर्फ हम दोनों, मैं और मेरा बेटा। वहीं रुक जा, तू है कौन? अपने बाप को भी भूल गया? वो मार्कशीट में और इनविटेशन कार्ड में, घर में तू है कौन? घर में भी तेरा बाप ही हूँ बेटा। अच्छा, कभी प्यार से दो लाइन बोला है क्या कि बेटा तू कैसा है, सुखी है या दुखी है, कभी पूछा है? बेटे हा? तुझे क्या तकलीफ है, तुझे कैसी खुशियाँ चाहिए, तुझे किस बात का दुख है? ऐसा सेंटी डायलॉग तो अपने बाप के सामने मार समझा, तब सब ठीक हो जाएगा और तेरा बाप अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर देगा। इतने अरे सुन तो, ये नाश्ता तो कर ले।
हरी ही ओम। रज्जू है क्या? वो अपने बाप को बिना पहचाने यहाँ से चला गया। एक इमरजेंसी थी। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो अपने लिए एम्बुलेंस मंगवाइए, मेरे बेटे को परेशान मत करिए। चलो गुड बाय। तेरे की ये फोन भी जब देखो बजता ही रहता है। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे कहाँ जा रहा है, जरा रुक जा। अरे यार पापा यहाँ पे भी आ गए डिस्टर्ब। पहले मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट। सारे माँ बाप अपने बच्चों को कार में भेजते हैं, बाइक पर भेजते हैं, वो नहीं तो कम से कम एक साइकिल तो खरीद कर देते हैं, और आप मुझे ऑटो ड्राइवर बनाकर ये खाकी पहनाकर कॉलेज भेज रहे हो। मेरे लाल, आजकल के जमाने के लड़के बूट निकालकर माँ बाप के सर पे मारते हैं। ये ऑटो देख रहा है, इसे फुल वॉश करके मैंने बिल्कुल नया बना दिया तेरे लिए। तो इसे संघर्ष करेगा, हमारी इज्जत करेगा और पैसे की कीमत समझेगा। पापा ले ले ले। ये ऑटो आप जैसों के लिए है, मुझ जैसे स्टार के लिए नहीं। ये स्टार ऐसी चीज है कब पलट जाए किसी को पता नहीं होता, लेकिन ये ऑटो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इस ऑटो से तुम्हारा पॉकेट मनी भी निकल जाएगा और मेरे पैसे भी बचेंगे, और साथ में समाज सेवा के लिए ऑटो से बढ़िया कुछ भी नहीं। बीएमडब्ल्यू वालों की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी ऑटो वालों की होती। चल बात बहुत समझ गया। धरती एक बोझ है लेकिन उस पर ये लाश उससे भी बड़ी बोझ है। मेरी आंखों में आंसू, मौत के गम में टॉनिक पिया था फिर भी आंसू आ गए। क्या हुआ? चुप रहना। जिंदा रहते समय माँ बाप नौटंकी करते हैं, मरने के बाद बच्चों से करवाते हैं। इसे दफन करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, देख ले। आई डोंट हैव एनीथिंग। आई से देखो, हाँ इमरजेंसी में ये सही है, मंगल सूत्र। थैंक यू। ए बेवड़े, अपने बाप को कंधे पर उठा, मेरे को कहीं और जाना है। ज्यादा जोर से डकार मत ले वरना तू भी टपक जाएगा, फिर तुझे भी इसके बाजू में लेटाना पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ, तो गाड़ी संभाल। देख भाई, टाइम पे पैसा लौटा देना। ठीक है, मैं आता हूँ, चलता हूँ। चल चल निकल। उसे यूं ही हजार रुपए दे दिए तो इसका तो एक आध लाख दे ही देगा। ये लो भाई। हाँ, इसका क्या करूँ? इसे रखो और 2 लाख रुपए दे दो। किसका सोना है बे? मेरी माँ का है। कौन है तेरी माँ? मेरी माँ उमा, ये उसी का गोल्ड है। उमा गोल्ड एकदम प्योर। अबे रख अपने पास, ये नकली गोल्ड है। सुबह सुबह तुमने भी ले रखी क्या? मैं उमा गोल्ड कह रहा हूँ और तुम नकली गोल्ड कह रहे हो। चलो पैसे निकालो। पैसे चाहिए? हाँ, गोल्ड दिया ना तुम्हें। तुझे देता हूँ मैं अभी। कड़क कड़क नोट देना मुझे। ले ले, आ जा आ जा। जरा ये पकड़। समझ गया सर। 1 लाख में सोना नहीं था, अब नहीं देने वाला हूँ मैं। जा जा, ये असली गोल्ड है, अब नहीं मिलेगा। जाना जा। सुबह पहले पी के आ जाते। हेलो, पता नहीं कहाँ से आए थे, सुबह पहले दिमाग खराब कर रहा था। इसीलिए तुमने उसका नेकलेस चुरा लिया? अरे खाने पीने के पैसे नहीं है, क्या नेकलेस चुराऊंगा, नकली है ये दिखने में ऑफिसर लगता है, इसकी जेब हल्की करूँ तो कैसा रहेगा। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि सर आप एक पॉलिसी ले लीजिए। जूते मैं पहनता नहीं, पॉलिश का क्या करूँगा? वो बात नहीं सर, एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकता हूँ सर। उससे क्या फायदा होगा? देखिए सर, यहाँ जिंदा लोगों को मदद करते हैं उनके यार दोस्त लोग, मरने के बाद कौन मदद करता है? हम इंश्योरेंस एजेंट सर। तुम लोग मिट्टी डालने वालों में से हो या आग लगाने वालों में से? सर देखिए, जब हमारे कस्टमर का स्वर्गवास हो जाता है ना, तब उनके परिवार वालों को हम पैसे देते हैं। तुम पैसे देते हो? वही तो। कितना? यही कुछ 20-30 लाख रुपए देते हैं। 20 लाख रुपए? वाह सुन प्यारे, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। सर मैं मेरे खाने के हर निवाले पे आपका नाम लिख दूंगा। चलो पहले शू पॉलिश करते हैं। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं? निकालो निकालो, बस एक ही पॉलिसी देना मुझे। किसके नाम से करना है सर? मेरे फादर के नाम से करना। फादर के नाम पर? सॉरी। वो क्या करते हैं सर? वो आप पूरी तरह खामोश हो गए हैं, वो कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते। आपका मतलब रिटायर हो चुके हैं ना? हाँ रिटायर हो गए, यही समझो रिटायर। रिटायर? हाँ ठीक है। कितने साल से सर? 1, 2, 3 days। 3 दिन से। सर पैसे तो मिल जाएंगे ना? हाँ जरूर मिलेगा। फिर लाइफ सेट है। किस गधे ने इसे इस पे डाल दिया है, इसमें से बास आ रही है। सर इसकी क्या जरूरत है सर? यह मेरे पिताजी के लिए है। पिताजी के लिए? हाँ मेरे पिताजी के लिए। ठीक है सर, इस फॉर्म के कोने में आपके पिताजी के सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर नहीं हो सकता, अंगूठी से काम चलेगा ना? ठीक है चल जाएगा। तो फिर हाथ मिलाओ और आ जाओ मेरे साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर आ जाओ। ये तुम्हारे पिताजी हैं? या डैडी। लेकिन ये ठेले पे क्यों लेटे हुए हैं? वो हमारी फैमिली रॉयल चैलेंज जैसी है ना, इसलिए ये उस पे लेट गए हैं। डैडी तुम जिंदगी तो गंवा चुके हो, मरने के बाद इन्हें अपना अंगूठा दे दो। डैडी क्या किस्मत है, माँ का मंगल सूत्र और बाप के लिए ये हार।
पापा इन्हें अपना अंगूठा दे दो। ये लो आप चेक दे दो मुझे जल्दी। सॉरी। क्यों? जो रिटायर हो जाते हैं उनकी पॉलिसी बन सकती है, जो मर चुके हैं उनकी नहीं। अब जो मर चुके हैं उनके लिए कोई मरने को तैयार नहीं है। सॉरी मम्मी, मैं तुम्हें स्पेशल थाली खिलाना चाहता था। देखो पति के मरने के बाद मंगलसूत्र की कोई अहमियत नहीं है। सर यहाँ से चल जाओ, तुम्हारा यहाँ आना कैंसिल। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं खाया क्या? सर इनकी हालत देख के आपको अंदाजा नहीं हो जाता है क्या? मेरे पास भी कुछ ज्यादा नहीं है, जो भी है ये अपने गले का हार मुझे पहनाने वाले ये है कौन? मेरे डैडी है मंजुनाथ। अरे आंखें खोलो मंजुनाथ जी। परमानेंटली बंद कर चुके, आप क्या खोलेंगे? अरे क्या गर्लफ्रेंड की तरह मेरी गोदी में बैठे हो, उठ जाओ जल्दी उठ जाओ। नहीं सुनेंगे ये अब नहीं उठने वाले, ये जिंदगी से परमानेंटली उठ चुके हैं। ये बात है। अरे तुम्हारी गाड़ी। अरे गाड़ी। अरे तुम्हारे डैडी। अरे निकलो पतली गली से। रुकना भाई, ऐसे क्यों करा? अरे भाई मार मार। लगता है उस ठेले वाले को पैसा नहीं दिया। मैंने दिए तभी तो भाग गया। गर्ल्स यस डियर, जरा यहाँ आना जल्दी। देखो रास्ते से चलते वक्त अगर लाश दिख जाए तो हम अशुभ मानते हैं। अब ये जो लाश है इसे ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा। देखो ना दफन होने के लिए कैसे तड़प रहे हैं। तुम दोनों एक काम करो, जिस ऑटो में मीटर नहीं होगा उस ऑटो से लिफ्ट लेकर थिएटर पहुंचो। आई विल सी यू देयर। गाड़ी तो गई, टाटा। अब तुम्हारे पिताजी को तुम संभालो, मुझे जाना है। हाँ पर... ए, लाश को कंधा देने के लिए चार लोग लगते हैं पता नहीं क्या। मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है। पहले बता देता तो मैं लड़कियों के कंधों का इस्तेमाल करता, अब मैं क्या करूँ? इसका ले लो। ठीक है चलो। हाँ तो चलो गाड़ी में बैठो। अरे कपड़े तो पहने में, फिर एक कफन किस काम का, बाहर फेंको। हाँ चलिए साहब। सर ये हार चाहिए क्या? नहीं नहीं इसमें से बदबू आ रही है, फेंको। चलो लगता है बारिश आने वाली है, जल्दी करो। वेलकम वेलकम वेलकम। जलाना है तो 500 रुपया, दफनाना है तो 1000 रुपया। सही है। चिता सजाने का और उसे साफ करने का 500 रुपए टैक्स। टैक्स? हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज का तुम टैक्स नहीं भरते हो क्या? हवा में रहने वाले को टैक्स देते हो पर जमीन वाले को नहीं? ऐसा कोई कानून नहीं है। ये लो भाई। 1000 कब्र खोदने का, मिट्टी डालने का 3000। जल्दी दो। सही है। ये लो। और कॉफी चाय का? कॉफी और चाय इतना ठीक है ना? ये तो ठीक है। और खर्च के लिए काम छोड़ कहीं के, ये चलेगा? हाँ वो भी चलेगा। सब कुछ छीन लिया। थू लाश को यहाँ पे रख दो, कब्र खोदने के बाद बुलाता हूँ। ठीक है आ जाओ डैडी। पापा। अरे यार रो क्यों रहा है? चुप हो जा, चुप हो जा। अरे तू ऐसा रोएगा तो मम्मी को कौन संभालेगा? गड्ढा खुद गया है, लाश को ले आओ। पापा पापा मैं छोड़ के चले गए पापा। ए, ए, क्या कर रहे हो? हमें हॉस्पिटल वालों ने बॉडी लेने भेजा है। बॉडी नहीं मेरे डैडी है। हमें फर्क नहीं पड़ता, पहले हॉस्पिटल का चार्ज, बेड का चार्ज, डॉक्टर का चार्ज और नर्स का चार्ज और साथ में जो मंगा कर ठूसते थे ना उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। तब तक तुम्हारे डैडी की बॉडी को हम अपने हॉस्पिटल में रखेंगे। चल यार चल भाई, इस संसार में जीना जितना कॉस्टली नहीं है ना उससे ज्यादा मरना कॉस्टली। अरे उठा ना भाई, संभाल के। मेरे डैडी को मेरे 3 दिन हो गए मैं क्रियाक्रम नहीं कर पा रहा। शिवाजी बहुत बहुत दिनों की बीमारी के बाद मेरी डैडी दुनिया से चल बसे, मुझे इनका क्रियाक्रम करने दो। जब तक तुम पैसे नहीं देते तुम्हारे डैडी को हम ठंडे ठंडे एसी में सुला के रखेंगे। ए देखो क्या करो, जब तक हम इसके पिताजी का बिल नहीं चुकाते ना तब तक मेरा ऑटो अपने पास रख सकते हो। शुक्रिया भाई साहब। अरे ए ये गई ऑटो। अरे इनको उठाओ यार, मैं तुमको अपनी जीप से छोड़ दूंगा। तब तक तुम्हारी माताजी को, मेरा एक फ्रेंड पीजी में रहता है हाँ? उसके पास छोड़ देंगे, चलेगा ना? हाँ ठीक है। ओके ना, मेरा काम यहाँ पूरा हुआ, मैं चलूँ?
सर जो हाल मेरे पापा का वो मेरी माँ का नहीं होना चाहिए। जो पैसा बचा के रखा उससे मेरी माँ की पॉलिसी बना दीजिए सर, आपका एहसान होगा। देखो भाई ये बेचारा बहुत दुखी है, ऐसे में मदद करनी चाहिए, तुम भी चलो हमारे साथ। सर भगवान के लिए सर। ठीक है चलता हूँ। गुरुजी, हमारे गांव में कोई भी अपरिचित आता है तो हम उन्हें खत्म कर देते हैं। इन्हें देखकर हमें लगा कि हमें आपसे भी पूछ लेना चाहिए। आप बोले तो इन्हें बाहर फेंक देते हैं। बड़ी गंदी सी बू आ रही है, शराबी, छे छे। हाँ? लक्ष्मी का निवास, श्री रामचंद्र, तुम्हारे गांव की किस्मत अच्छी है। जब किस्मत साथ हो तो समुंदर में छुपे मोती भी कदमों में आकर गिरते हैं। वैसा ही एक मोती ये लड़का है, लक्ष्मी का जिसमें वास है वो ये लड़का है। यह है? ये लड़का है? क्या हो गया? यूं समझिए आपका मंदिर आपको मिल गया। ओहो, मर के हम लोग नरक में पहुंच गए, लेकिन मरने के बाद तो कोई कुछ लेके आ नहीं सकता। ये क्या, हमने तो पूरा गाँव बचा लिया। ओ, शायद पापा ने मुझे अपने पास बुला लिया है। पापा, बाबूजी, डैडी, आपको देख के बहुत खुशी हुई स्वामी जी। ये सब क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है, हमें लूटने आए हो क्या? ये नर्क नहीं स्वर्ग है। ओ, स्वर्ग है तो फिर मैं अपने पापा को ढूंढ ही लूंगा, वो पक्का देसी ठर्रे की दुकान पे मिल जाएंगे। ओहो, अरे ये कौन आ गया गंजा? क्या हुआ? स्वर्ग के ओनर आ गए हैं। बेटा बताओ तुम क्यों चिल्लाए? दर्द होगा तो चिल्लाएगा नहीं क्या? हम कहाँ हैं यार? तुम्हें बुखार है, इसीलिए औषधि देने के लिए कहा, जल्द ही ठीक हो जाओगे। हमें हार क्यों पहनाया गया है? शहर के छोकरे हैं, यहाँ का नियम इन्हें नहीं पता। इस गांव का नाम क्या है? ए, तू क्या मुंह देख रहा है, जल्दी से उसे औषधि दो। बॉस, इनका नाम क्या है? बार बार औषधि इंजेक्शन की बात कर रहा है, डॉक्टर ही होगा। बॉस, तुम्हें देख के यमराज की याद आती है। शिवाजी, बॉस यहाँ आसपास कोई फोन बूथ है क्या जहाँ से मैं फोन कर सकता हूँ? बहुत सवाल पूछता है, इसे बेहोशी की दवाई दे दो। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, चुप हो जाए यार। वो छोड़ो, यहाँ पर कोई बस आती है? बस जो इस जंगल में आ जाए वो कभी यहाँ से बाहर नहीं जाता। ओके। अरे अच्छा, चुप तो कर रहा है यार, क्यों इनसे इतने सवाल कर रहा है? ए, ध्यान से सुनो, मेरे पापा मेरे बिना तो कैसे भी रह जाएंगे, लेकिन ऑटो के बिना नहीं रह पाएंगे। अच्छा, तुम दोनों रेडी रहो, मैं जीप कहाँ है वो ढूंढ कर आता हूँ। ओके ओके। ये पैन तू ही, कोई जवाब ही नहीं देता, सब अजीबो गरीब लोग हैं। अब कमाल है, ऐसा देख रहे जैसे खाई जाएंगे। उस लड़के की भी आवश्यकता है क्या? जान से मत मारो, हाथ पैर तोड़वा दो।
इतने बड़े जंगल में मेरी जीप कहाँ ढूंढूं मैं? Hey, listen, baby, one second. Sorry, सुनो तुम्हारा नाम क्या है? Hey! मैं और 3 दिन तुम्हारे गांव में रहूंगा, यह मैंने डिसाइड किया है. Any problem? I thought so. Excuse me. तुम डेली नहाते हो क्या? तू ये गंदी बात है. ए, सुनो तो, मैं अचानक मर गया था इंसिडेंट से और मैं फिर एक्सीडेंट से मरता तो क्या होता? अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस एक्ट ऑफ इंडिया. अरे मैं बताता हूँ क्या होता, मेरी विस्की वेस्ट हो जाती. आई विल शो यू. डू यू नो व्हाट इज दिस? नो. ये नाश्ते से पहले, ये नाश्ते के बाद. अरे आगे देख. ये वाला खाने से पहले और ये खाने के बाद. ये है परफेक्ट डाइट, दैट्स ऑल. देखो शिवाजी, अगर तुम इतना पियोगे तो शादी से पहले ही तस्वीर पर हार चढ़ जाएगा. तुम क्या चाहते हो, मैं सेंचुरी बनाऊं और उस सेंचुरी का बैट सबको दिखाऊं? नहीं चलेगा ऐसा. जी हाँ, आपके जन्म कुंडली में ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है. क्या लिखा है? कि आप पूरे 70 साल तक जीने वाले हैं. तो तुम मेरे से 10 साल ज्यादा जियो. थैंक यू. अब एक बात गौर से सुनो. हाँ? अगर मेरे जैसे लोगों का तुम इंश्योरेंस निकाल सकते हो तो पक्का मान के चलो तुम्हारी तरक्की जरूर होगी. वो देख, वो अभी भी जिंदा है. कौन है? प्रज्जू. अब हम त्रिमूर्ति 3 दिन यही रहेंगे. लेकिन क्यों? सुनो, लगता है इसे इसके ऑटो का परमानेंट ग्राहक मिल गया है. अच्छा, कब कैसा वक्त आएगा ये कोई नहीं जानता शिवाजी. शहर की सारी लड़कियां तो लड़कों की तरह हो गई हैं. ऐसे में मेरे जैकेट में समाई इस गांव की एक भोली भाली लड़की. आहा, प्यार से गले लगकर मेरा दिल चुरा कर ले गई. मैंने तो फैसला कर लिया है बॉस. हाँ, लड़की का चक्कर है, तेरा काम जरूर होगा. लड़की खूबसूरत है. अरे हमारे पूर्वजों ने कहा है ना, कमल जैसी उसकी 2 आंखें, उसके होंठ इस बोतल के जैसे नशीले तो नहीं होंगे. क्या बताऊं यार, 2 मिनट में मुझे उससे प्यार हो गया. अब 2 दिन यहाँ और रहूंगा तो अच्छा प्यार होगा तो सपोर्ट करूंगा मैं, वरना 2 दिन बाद वैसे भी राखी है. चल हम लोग एक काम कर लेते हैं, ज्योतिषी को इसकी कुंडली दिखा देते हैं. उसे फिर से गले लगाने का मन कर रहा है. ए, ये कोई गांव नहीं है, ये जंगल है, चीर के रख देंगे. अस्तलाविस्ता बेबी, कम ऑन. इसे बहुत से लोगों को खून डोनेट किया, खून बहाने से नहीं डरता मैं. ए, देख 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 देख, यही ड्रेस पहना था उसने. इसका मतलब उसका घर यही कहीं पर है.
देखो हाँ ये सब मत करो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बेबी मेरी हिस्ट्री नहीं जानते हो तुम? यहाँ की ज्योग्राफी देख के समझ गया था मैं, साइंस में सुपर ब्रिलियंट स्टूडेंट था मैं। 82324 कम ऑन आई से, और जैसे ही मिले सीधा पूछ लेना प्यारा की नहीं। अरे अंदर ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता हूँ यार। अरे डरता क्यों, मुझे बहुत डर लग रहा है। असली तेरा कभी गहराई से नहीं डरते, चल जा कूद। अरे चलो ना निकलते हैं। शैडो दिख रहा है। हाय मेरा नाम है प्रजू, प्रज्वल। अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो गया हूँ। अगर तुम मुझे अपना नाम बता दो तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। क्या प्रजू मेरे मन में नए नए सपने जगा कर अब मेरा नाम पूछ रहे हो? मतलब घर पर कोई नहीं है, सही वक्त पर आए हो। मतलब घर में कोई नहीं है? जो कहना है कह लो, जो करना कर लो। ऐसा नहीं है दरअसल। तो फिर कैसा है? क्या है इसे डकार ले, थोड़ी हिम्मत आ जाए। अंदर रख वरना फोड़ दूंगा। क्या फोड़ोगे? अब वो क्या है ना, प्यार तो भगवान के आगे जलाने वाले दिए की तरह होता है। उसे मंजिल जब तक नहीं मिल जाती तब तक उसे जलते रहना ही ठीक है। अगर वो बुझ गया तो अभी जला दूं। अभी जला दूं? अरे यार ये कैसी लड़की है। अबे बाप रे, अरे चल चल, अरे ये वो नहीं है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे शिवाजी बचा मुझे। अरे देखो मुझे कुंग फू कराटे भी आते हैं, छोड़ो मेरे। अरे भागो यहाँ से। मुखिया जी मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं आपको वैदिक शास्त्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए। आपकी बेटी की कुंडली के मुताबिक मुझे पता चला है कि उसे मांगलिक दोष है। डरिए मत, आने वाले पूर्णिमा के दिन यदि उसका विवाह कर दें तो ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ऐसा ही होगा, परंतु उस मंदिर का क्या? जब वो लड़का मिला था उसके पहने हुए कपड़े कहाँ हैं? वो खून से सना हुआ है। कल सुबह उसे लेकर आइएगा, मैं भी देखता हूँ वो मंदिर कैसे नहीं मिलता। भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी है, खाना। हरी हो, ये बताओ तुम लोग दिया जलाने के लिए क्या डालते हो? क्या है ना गुरुजी, तेल डालते हैं, घी डालते हैं, जरूरत पड़ने पे दारू भी। अरे रुकना समझा लेते। स्वामी जी ये सब आपके जैसे आपके बच्चे हैं क्या? जरा शांत रहो बेटा। अच्छा है, पूछो तो मना करते हो। अरे ये कौन, ए क्या कर रहे हो स्वामी जी, पानी पी रहे हो? इससे प्यास नहीं बुझती। फिर किससे बुझती है? मेरी खुराक पी लो, स्वर्ग पहुंच जाओगे। पानी में क्या रखा है वो तो बेकार है। पता है पानी में क्या क्या होता है? कृमि, कीटाणु, बैक्टीरिया, इतना भी समझ में नहीं आता। अरे लाओ, क्या कर रहे हो, लाओ दो मुझे, इधर दो। अरे दो, अस्तला बेबी, चल दूर हो जा मेरी नजर से। भोजन पर ध्यान देने के बजाय तुम क्या कर रहे हो? स्वामी जी मस्ती करना इसकी आदत है। अरे मस्ती नहीं, सच्ची बात है ये। अनीता हाँ? यहाँ आना बेटी। अरे इधर लाओ ना, इधर भाजी तरकारी डालो कुछ। चूहे का रस्ता दो। क्या चूहे का रस्ता? मैं ले पीऊंगा। अरे कहाँ फंस गए चूहे का रस्ता? उठ जाओ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उठो, उठो। किस तरफ चलना है? आंख तो बहुत जल रही है। अरे जल्दी पानी दो यार, जिन आंखों में मैंने तुम्हें बसाया वही आंखें मैं इस वक्त खोल नहीं सकता। तुम्हें एक बार देखना है, फिर ये मौका मिले ना मिले। ए, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैडम भूलो मत, तुम मुझे यहाँ पर पानी देने के लिए आई हो, अब जल्दी से पानी दे दो, आंखें जल रही है मेरी। ओहो लगता है वो यहाँ पर नहीं है, कब से लगी थी। चलो अच्छा, कोई देखने वाला नहीं है। अरे तुमसे जब भी मुलाकात होती है तब मैं भीग क्यों जाता हूँ, इसकी वजह क्या है? मैं पैदा ही बरसात में हुई थी, ज्यादा भीगना अच्छी बात नहीं होती। अब बहुत हुआ, जल्दी आओ। अरे एक मिनट, मैं कितनी देर से तुमसे बात किए जा रहा हूँ, तुम इतना कम क्यों बोलती हो? मेरे बोलने की क्या जरूरत है, तुम्हारी बात तो सुन रही हूँ ना। अच्छा एक और बात, वैद्य जी की दी हुई दवाई पीना मत भूलना, देखना जल्दी से ठीक हो जाओगे। थैंक्स। अरे नींद खराब क्यों की?
टाइम क्या हुआ? बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। अरे उठना, उठना। देखना कैसी आवाज़ें आ रही हैं। कहाँ है? ऐसा लग रहा है कोई रो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे? मुझे अकेला छोड़ के मत जा प्लीज। मुझे डर लग रहा है यार। हाँ चल सो जा। सो जा। डरपोक कहीं का मेरे भी नींद खराब कर रहा है। सुनो बेटा। हाँ? तुमने कुछ खाया क्या? जी नहीं। तो जरा यहाँ आना। इसे हवन में अर्पित करो। मेरा अच्छा होगा ना? जरूर मेरा भला होगा। गुरुजी, सबको मेरी बात सुननी होगी। क्या यार? रुक यार, सॉरी बोलना है मुझे। ठीक है बोल। कल रात को मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है। सुबह दोनों मर गए थे क्या? क्या कह रहे हो? वो आप अपना लोटा वही भूल गए थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। यहाँ हवन चल रहा है बेटा। धोए बिना आप हवन करने लग गए, ये अच्छा नहीं है। क्या गंदे हो आप। तुम कभी पीना नहीं छोड़ोगे? जैसे छोटे बच्चे दूध पीना नहीं छोड़ते है ना, वैसे ये 3G शिवाजी भी टॉनिक पीना नहीं छोड़ेगा। नो चांस एंड नो वे। स्वामी जी, हाँ? कल रात को आपने बताया था ना, आज जो साइलेंट रहेगा उसे फुल बोतल मिलेगी। सच्ची ऐसा? हाँ? अरे तो पहले बताना था ना। यार भूल गया था मैं। आज से मैं पूरे दिन साइलेंट। वेरी गुड। ये क्या है? वाइब्रेशन मोड में हूँ मैं। अच्छा सुनो, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं सबका भला कर रहा हूँ। भला हो, भला हो, कंटिन्यू। बंधुओं, बड़े गुरुजी की इच्छा अनुसार मैंने अपनी बेटी का विवाह इसी दशमी के दिन करने का निश्चय किया है। हमारे रीति और रिवाज के मुताबिक राजा के निशानी वाली अंगूठी को मैंने उस मटके में डाल दिया है। जो कोई भी वीर पुरुष पहले उस अंगूठी को हासिल करेगा, उसे मैं अपनी बेटी देकर इसी दशमी के दिन उसके साथ विवाह करवाऊंगा। ये मैं अपने कुलदेव की कसम खाकर कह रहा हूँ। ये तो मेरी वाली है। अब क्या होगा? पानी में भीग गया और इस बार और मजा आया। मुझे लगा ये अंगूठी मेरे लिए ही बनी है, इसलिए। सर धड़ से अलग कैसे होता है? मैं दिखाऊं क्या? ए रुंडा, हम्म,
हमारे रीति रिवाज में तुम टांग मत अड़ाओ। अपने संस्कारों का पालन हम आज भी कर रहे हैं। चलना। सब कुछ सही हुआ तो पहाड़ के ऊपर वाले देवता के आगे दीप जलाऊंगी, ऐसा प्रण किया है। चिंता मत करो, प्रण पूरा होगा। एरुंडा, इसे अपने साथ ले जाओ। चलो। उस दिन अगर हाथ पैर तोड़ देता तो आज वो इतना आगे नहीं बढ़ता। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात मान जा। अरे हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्सक्यूज मी। फिसल जाऊंगा, रुक 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 रुक। नमस्ते भाई साहब, बताएंगे आपका नाम क्या है? मैं हूँ रुंडा। रुंडा शक्ल से दिखता है गुंडा। तुमने कभी मेरी तरह रम पिया क्या? रम रम। दूसरा का संभाल के रख। सर, आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे? इंश्योरेंस सर? कोई बात नहीं, आइए समझाता हूँ। सॉरी सर, जरा सोचिए, आपके ऊपर बहुत बड़े पहाड़ का टुकड़ा गिर जाता है। बस सोच रहा है सर। सर सर सर, इधर आइए ना सर, आपको बस। अनीता जी, अनीता जी, अरे जरा रुकिए तो। बेंगलोर में मेरा एक करीब का रिश्तेदार है, उसका नाम कुमार है। उसने भी किसी गांव वाली से शादी की थी। आज वो दोनों कितने खुश है ये आप सोच भी नहीं सकती। तो क्या? तुम हाँ कर दो तो मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़कर सब कुछ संभालूंगा। तुम्हें मेरे साथ इस तरह बात करते हुए किसी ने देख लिया तो? सो मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस हिम्मत करो और सबको बता दो। अच्छा रहने दो, मैं यूं ही मजाक कर रहा था। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देना। जब से आए हो तब से सवाल पूछने के अलावा तुमने क्या किया है? मैं एक क्वेश्चन बैंक की तरह हूँ, पूछूं? नहीं। देखिए, अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। तुम मुझे सही जवाब दे दो तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, पूछो। वो जो मटका था उसके अंदर जो अंगूठी थी, अगर उसे कोई बंदर लेकर चला जाता तो तुम क्या करती? नीचे खड़े हुए बंदर को ही वो अंगूठी मिली है ना? तुम कह रही हो मैं बंदर हूँ? ओके चलो मैं बंदर ही सही। तो फिर एक बात बताओ, गुर्रा कर चीर फाड़ करने वाला वो भालू पसंद है या फिर मुझ जैसा बंदर जो हमेशा हंसता खेलता रहता है? दोनों में से कौन पसंद है ये तुम फैसला करके बता दो। मुझे ऐसी लड़की के साथ ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा देता है क्या? अरे उसमें क्या है, अरे मेरे जो दो बच्चे हैं ना उनके साथ भी ऐसे ही बोलता हूँ। यहाँ तू जैसे 200 जन गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं, आगे क्या हुआ ये बोल। मेरी बात सुनो भाई, अगर तुम अपने सर पर ही पत्थर मारोगे तो वो कहलाएगा सुसाइड, और अगर वही पत्थर आपके सामने लुढ़कते हुए आ जाए दैट इज डिफरेंट। लुढ़कते हुए पत्थर के सामने जाकर मैं क्यों खड़ा रहा हूँ? आगे तो समझा। बात ये है कि तुम्हारी मुंडी किस तरफ गिरती है और तुम्हारी जुबान किस तरफ निकलती है, ये सब ठीक से एग्जामिन करके हम ये सब आराम से बता सकते हैं कि तुम मरे हो कि नहीं। दैट इज ऑल। तुम दोनों को यहाँ से सीधा धकेल दूंगा। देखो मैं तुम्हारे भले के लिए ही समझा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम अब तक इन गांव वालों को पूरी तरह नहीं जानते। तुम भी इस बंदर के बारे में कुछ नहीं जानते। पूंछ को छेड़ोगे तो पूरे गांव को आग लगाने की हिम्मत रखता है। वो जो ऊपर बैठा हुआ खिलाड़ी है ना, उसने मुझे सदा चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। तो ऐसे आलतू फालतू लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, इतने दिनों से मैंने शहर में अपने दिल को संभाल कर रखा था, इस गाँव के पानी में घुलने के बाद पिघल ही गया। अगर तुम अब तक कुंवारे हो तो दो बच्चे कैसे हुए? मुझे जन्म देने वाले मेरे माँ बाप ही वो दो बच्चे हैं। उनकी सेवा में बड़े प्यार से कर रहा हूँ, तो तुम सोचो मैं तुम्हें कितने प्यार से रखूंगा। तुम जिस काम के लिए यहाँ आई थी उसे तुम पूरा करो। ये कहाँ गया? प्रजु, अरे ए, ये फोटो तो मिनिस्टर अविनाश जी का है ना? माय ब्रदर। हाँ तुम डरो मत, ये तुम्हारा भाई है। मुझे जरा खुलकर बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है? इतनी रात को जंगल में मत घूमना ये तुम्हें समझाया था ना? तुमसे मतलब?
जंगल में जंगली जानवर चीर फाड़ कर खा जाते हैं। महालक्ष्मी जदीप महे विष्णु पत्नी जदी मही तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात। इधर देखो, ऐसी निशानी वाला शस्त्र मुझे चाहिए। ठीक से देख लो, पहचानते हो इसे? श्री चक्र निशानी सिर्फ ये गांव ही नहीं, जंगल का हर एक कोना हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे निशान वाले शस्त्र को हमने कभी नहीं देखा। ध्यान से सुनो, आज भाद्रपद की पूर्णिमा है। चंद्रमा की किरणें इस धरती पर पड़ने से पहले ये शस्त्र मुझे हर हाल में चाहिए। ढूंढना शुरू करो। गुरुजी! क्या हुआ बेटा, भाग क्यों रहे हो? बहुत आराम सोचे हुए स्वामी आए हैं। 2 घंटे के अंदर कुछ भी ढूंढ निकालेंगे। जंगल में मिले उनको लेकर आया हूँ। जल्दी चलिए, वो पहलवानों के पास है। चलिए। ये ज्ञानी एक साधु के समान है। आंखों की पट्टी खोलकर इन्हें जंगल में ले जाओ। कौन है वो जो इस बाहुबली को साधु कह रहा है? इन बाजुओं से मैं कितनी बलि चाह चुका हूँ पता है? मैंने अगर अपनी आंखों की पट्टी खोल दी तो सब ओझल हो जाओगे। हे बच्चों, खोल जल्दी। डायलॉग तूने मारा था क्या? ने नहीं मारा। क्या इस जगह कोई अद्भुत शक्ति है? क्या क्या है वो? क्या है वो? तुम अभी तक माँ नहीं बनी हो ना? छठा घर में बैठा हुआ सूर्य, 7वें घर में बैठा हुआ चंद्र, 1 साथ जिस दिन तेरे घर में आएगा उसी दिन तुम माँ बनेगी। अरे पागल की औलाद, खुद की शक्ल तो देख नहीं रही और तुम मुझे पागल कह रही है। तुझे नहीं छोड़ूंगा। अलग अलग कोना कोना हिला हिला। मैं चला। बहुत बड़े महात्मा लगते हैं। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा स्वामी जी। अरे मैं तुझे क्या बताऊं, तेरा चेहरा देखकर तो मैंने तेरी हिस्ट्री पढ़ लिया है। मेरे पास आकर तूने इंट्रोडक्शन कैसे दिया? संस्कृत में दिया। ए, ये खेल तू किसी और जोकर के साथ खेलना, मेरे जैसे मास्टरपीस के साथ मत खेलना। मुझे क्या समझते हो, क्या समझते हो मुझे? ए, जो चांद पे जाता है उसे क्या कहते हैं? रॉकेट। वो रास्ता चूक कर गलत रास्ते पे जा रहा था, तब पंडित जी आकर बोले कि रॉकेट अपना रास्ता भूल गया है। तब मैंने उनसे कहा, पंडित जी तुम रॉकेट को उस तरफ भेजो, चांद उस तरफ है, ऐसा ही रास्ता दिखाने वाला मैं हूँ। हमारे प्यारे ईश्वर जी, डैम बनाते बनाते नदी कहाँ है ये भी भूल गए। किसानों को तकलीफ ना हो, नदी को ढूंढ कर डैम बना कर खेतों को पानी पहुंचाने वाला मैं हूँ। इतना ही नहीं, हमारी पड़ोसन शीला अपनी इज्जत ही गवा चुकी थी, उसकी इज्जत को ढूंढ कर लाने वाला मैं हूँ। तुम्हारे गांव में ऐसा कुछ खो गया है तो हमें जल्दी बताओ, ढूंढ कर दूंगा और चला जाऊंगा। बाजू के गाँव में जो पुलिस वाला है ना, उसका गन और बुलेट खो गया था, उसे भी ढूंढ कर लाया। कुछ भी खो गया कोई बात नहीं, चाबी का गुच्छा, वॉच, पर्स, गहने, गले का हार, किसी के भी अंडरगारमेंट को छोड़कर 2000 देकर 7 दिनों तक इंतजार करो। यूं जाऊंगा और यूं लेके आऊंगा मैं। टाइम नहीं है, जल्दी करो, टाइम नहीं है। हमारे गांव का गाय गुम हो गई है क्या? मंदिर कहीं खो गया है। मंदिर खो गया है। अरे मंदिर कैसे खो सकता है, लगता है किसी पागलों के गांव में आ गया हो यार। वे भगवान, सच कह रहा हूँ, हमारे गांव का मंदिर खो गया है। सच में तुम्हारे गांव का मंदिर खो गया है तो वो खुद अपने आप को 4 व्हील लगाकर यहाँ से सीधा कृष्णदेव राव के महल में बैठ गया होगा। तुम लोगों में से किसी के पास कोई पुराना जंजीर है तो उसे कसकर बांध कर यहाँ घसीटते हुए ले आओ। मुझे अपना लुंगी खोल कर फिर से बांधते हुए तुम लोगों ने देखा ना? बोलो देखा कि नहीं? अब मेरा पराक्रम देखो। ये तो जानकी वाली दे रहे। ए, तू जरा इस साइड आ। अच्छा, अरे बेचारा, लगता है इसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई। वहाँ देख, जान बचाओ। अरे नहीं,
मेरी बात सुनो, मुझे जान से मारने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। ये क्या काम से? कहते हैं मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना बहुत जरूरी है ना। हाँ, मान लो। I'm very sorry. तो बाप ऊपर से बात कर। मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सका। आपने क्या कहा था बेटा, तुम मरने से पहले किसी 10 नंबर वाली से ही सही, लेकिन उसके साथ घर बसा लेना, ऐसा पिताजी ने कहा। लेकिन अपने बाप की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। इस लैंड से नो मोर लैंड तक चक्कर लगा कर आया, अब जंगल में आकर ढूंढ रहा हूँ, कोई भी नहीं मिला। मेरे बाप कोई नहीं मिला। सॉरी फादर, अब बलि चढ़ा सकते हैं। इधर आ, चल इधर आ। क्या हुआ? ये तुझे पसंद है? बाबूजी, मैं जंगल के किसी भी जानवर से शादी कर लूंगी, लेकिन इस बटले से नहीं करूंगी। इसकी शक्ल तो देखो, चिंपांजी जैसा लगता है। तो इस तरह मेरा साथ मत छोड़। ऐश्वर्या पादुकोण, तू मेरा हाथ थाम ले, मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या पादुकोण नहीं है, लिंग राजा है। लिंग राजा? बाबूजी, वैसे भी आधा दिन गुजर चुका है और अब तक हमने उस शस्त्र का पता भी नहीं लगाया है। इसे छोड़ दूं या मार दूं? अरे क्या कर रहे हो, बेचारा पहले ही डरा हुआ है। तुम लोग एक काम करो, इस गांव में राजा की निशानी की एक अंगूठी है, वो अंगूठी इन्हें दिखा दो। हाँ, मैं पहचान लूंगा। 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। सुन दो प्रभु। अनीता जी, 1 मिनट। हाँ, आपको किसी बेचारे की जान बचानी क्या? अंगूठी उठा के दे। मेरी पहनाई हुई अंगूठी उतारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अंगूठी पहना देने से शादी नहीं हो जाती, जान देने वाला प्यार होना चाहिए सीने में। ए प्रजो, ए सुन सुन सुन, ए सुना। देखो, यही वो अस्त्र है जिसमें श्री चक्र का निशान है। यही है वो अस्त्र? हाँ यही है। अरे वाह, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। लक्ष्मी वास वाले लड़के को इस अस्त्र से बलि दिया जाएगा तो एक बिजली टूटकर इस गांव पर गिरेगी और उसके बाद वो मंदिर प्रकट होगा। गुरुजी, कल ही पूरे गांव वालों को एकत्रित करके हम लोग उत्सव मनाएंगे। अब कल ही इसी अस्त्र से उस लड़के को। उठो, जल्दी उठो। ए, ए, काजल, काजल, काजल। अरे ये काजल नहीं, पागल है। क्या हो रहा है? पागल। Don't shout. I am not mad. मैं प्रोफेसर हरीश हूँ, मिनिस्टर अविनाश का ब्रदर। जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप सुनो। सर, लेकिन आप इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हैं? अंधेरा डर का संकेत है, उजाला हिम्मत का संकेत। तुम्हारी जिंदगी में कल का सूरज अंधेरा लाने वाला है। मैं समझा नहीं सर। इस गांव के अंधविश्वासियों को समझाना इतना आसान नहीं। सरकारी काम के लिए यहाँ आया था, यहाँ आकर इनके हाथों में फंस गया। आज मेरी ये दुर्दशा हो गई है। इस गांव का मृगशिला खून मांग रहा है, इस लड़के का खून मांग रहा है। जाओ,
भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। ए, गोपी, क्या हुआ यार? भागा नहीं जा रहा है, थक गया हूँ। मैं एक टैबलेट देता हूँ, इसे तू खा ले, यू फील बेटर। अरे खा ले, अब चला जा, जा चल 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 भागते हैं। संभल के आना। बाल बाल बचे यार, हमने तो खाई है। अपना सरेला, मुझसे कह रहा हूँ नहीं मरना है। अपना सरेला, मुझे छोड़ दो। जल्दी कर, तू अपना सरेला था या नहीं? चल जल्दी कर, इसका अभिषेक करो, आज तेरा दिन पूरा हुआ। वरना यह तो डरता क्यों है? ले आओ उसे। चलो मुखिया जी बुला रहे हैं, इसे लेके चलो। चल चल, ये मुझे मार देंगे। कोई तो रोक लो, यहाँ ले आओ। यार का अभिषेक करो, ले आओ उसे। मुझे वही मरना है, मुझे छोड़ दो प्लीज। लेके चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया। चल ले आओ, ले आओ, यहाँ पर रखो। समय बीतता जा रहा है, जल्दी ले आओ। बलि के लिए तैयार करो, जल्दी करो, मार दो। मुझे छोड़ दो प्लीज। जय हो कुलदेव। मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे ऐसे घूर क्या रहा है? मेरा हाथ खुलकर देख, तेरी नानी याद दिला दूंगा तुझे। गांव में किसी ने आत्महत्या कर ली है। गोपी, ए डरा था क्यों है? उस घर में एक मौत हुई है। उसे छोड़, तेरे साथ क्या हुआ है? मुझे उन्होंने, रुक जाओ। इस पर माँ आई है क्या? देखता हूँ। उठ, सीने पर इसके दाग है गुरुजी, इसे छोटी माता आई है। इस लड़के को 3 दिन के लिए विश्राम दो, आगे का कार्यक्रम हम बाद में करेंगे। हे भगवान, अब मैं इस नरक में नहीं जीना चाहता, इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मरने वालों की क्यों सेवा करते हो? ये सेवा तेरी नहीं है, जो अंदर है उनके लिए है। तुझे चिकन पॉक्स हुआ था? हाँ। रुक जा। देखो भाई, ये यहाँ से नहीं जा रहा है, इसके अंदर जो है वो जा रहा है। मेरी मौत तो निश्चित है, मरने तक मुझे चैन से जीने तो दो। मैं मौत से नहीं बच सकता यार। ए, ऐसी बात मत कर यार। मैंने एक आइडिया सोची है, वो तुझे बताता हूँ। अरे अरे मर गया। ए, शिवाजी, तुझे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, यहाँ टॉनिक का मिलता है ये पूछा तो मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। एक बार वो अकेले मिले ना तो मैं उसकी खोपड़ी तोड़ के चकाचूर कर दूंगा और दरिया में फेंक दूंगा। क्या कहा? पूजा करके बहुत सारे फूल जमा हो गए, वही फेंकने की बात कर रहे थे हम लोग। मेरे सपनों में परमात्मा ने आकर जो कहा, अगर वो सत्य है
और मुझे मिले हुए ताम्रपत्र की यदि बात सत्य है तो उस लड़के को इसी गांव में ही मरना होगा और तुम्हें तुम्हारा मंदिर मिलकर रहेगा। तब तक गांव के लोगों को सब्र रखने के लिए कहो। देरी करने से काम बन भी सकता है और काम बिगड़ भी सकता है। हाँ हाँ, परसों महानवमी है, बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। अब आगे का काम हम संभाल लेंगे। मेरे पेट की हांडी में जबरदस्त आग लगी है, दो बोतल दे दो। मैं जरा आता हूँ भाई, जरा हल्के से। अरे शिवजी, अपनी जगह से नहीं हिलोगे? मर गई यार। मैं इसकी मदद कर रहा हूँ भाई। ठीक है जा। अरे भाई उठा ना, उठा, संभाल, चला जा, उठा आराम से। मैं भी जाऊँ यार। प्रजु किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। मुझे तो यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या इसके सीने से दाग हट गए? माता जा चुकी है। तुम इन्हें संभालो, मैं जाके मुखिया जी को बताता हूँ। अरे मालिक को मत बताओ, वो मुझे मार डालेंगे। अरे अरे अरे, one minute please, मुझे एक अर्जेंट रिमिक्स गाना गाने का मन कर रहा है। मुझे तो जाना है बे। ए, तो भी सुनना, कर जा। केले के बाग के बाजू के पेड़ में रह रहे थे कुछ बंदर। ये तो सो गया, ताई ताई थक ताई, लोमड़ी भैया ये तूने क्या किया? सोने को दो। ये सो गया। सेफ्टी के लिए यूज किया हुआ पीपी काम कर गया, लेकिन मुझे चक्कर क्यों आ रहा? हमारी मदद करने वाला कहाँ गया? वो देख, बुरा वहाँ कहाँ गए वो तीनों? उसे बुलाना पड़ेगा। रुको, मैं इशारा कर। अरे बाप रे, इस जंगल में कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं? अरे कहाँ हो? पता नहीं कौन सा जानवर अब मुझे उठा कर ले जाए। छे, वो समझ ही नहीं रहा है। लगता है वो मिलने वाले नहीं, मैं भी निकल जाता हूँ। चल यार, हम भी चलते हैं। यार वो बेचारा कहीं फंस जाएगा, एक बार और ट्राई करके देखते हैं ना। आ गया, आ गया। ए, आओ ना। ए, इधर आओ, इधर आओ। अरे अरे भाई, यहाँ आओ, जल्दी इधर आ जा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आजा, वहाँ जल्दी आओ, जल्दी आ, आजा। रुको रुको, अबे ये कहाँ से आ गया? ये तो इधर आ। अरे रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे वो फंसे। अरे सुनो ना, अरे रुक रुक रुक, अरे सुनो ना, अरे भागोगे कहाँ? मैं तो तुम्हें अपने साथ ही लेके जाऊंगी। अरे रुक, मैं उसके हेल्प करके आता हूँ। हम नहीं जा सकते। अरे किधर भागोगे? अब चल। मेरी कसम है। गोपी तुम जाओ, तुम अपनी जान बचाओ, जाओ ना। तुम लोग जाओ, जाओ, अपनी जान बचाओ। मुझे छोड़ दो। Thank you.
हम लोग यहाँ कितने भी चक्कर काट लें, ये एक ऐसी भूलभुलैया है जहाँ से हम निकल ही नहीं पाएंगे कभी। हम इस जंगल में फंस चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे। ये एक चक्रव्यूह है जिसमें मैं अभिमन्यु की तरह फंस चुका हूँ। इस चक्रव्यूह में सिर्फ अभिमन्यु ही नहीं, अर्जुन भी साथ में है। शहर में हम मौत को चकमा देकर जीते आए हैं, यहाँ सीना तान कर जंग करेंगे। घबराओ मत। ये क्या कर रहा है? मेरा बाप जहाँ बोतल छुपाता था ना, मेरी बाप वहाँ ऐसा मार्क करती थी, ये भी ऐसे कर रहा है। ये तू नहीं समझ पाएगा। ए, वो लोग आ रहे हैं, चलो। चलो, चलो। सबको इकट्ठा करके इन्हें गांव ले जाने की व्यवस्था करो। जी भाई, भाई। इंसाफ है, एक परंपरा निभाने के लिए तुम लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारा ये भगवान मेरी मौत क्यों मांग रहा है? मैंने ऐसा क्या पाप किया? हरिणापी हरिणापी ब्रह्मणापी सुरेरपी ललाटे लिखते रेखा परिमार्गम न शक्यते। माथे पर लिखी हुई रेखा को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते, ये भगवान का ही कथन है। अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जन परियुपासते तेषां नित्यां अभियुक्तानां योगश्रीमं महाम्यहम्। अर्थात जो मेरे नाम को जपता है उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, ये भी उसी ईश्वर ने कहा। जातस्य हि मरणं ध्रुवम्, अर्थात जो जन्मा उसकी मृत्यु निश्चित है। अहिंसो परमो धर्मः। अरे प्लीज हिंदी में बोलो यार। चाहे हिंदी में बोलो या किसी भी भाषा में आंसू बहाओ, मैं दया नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं धर्मराज नहीं प्राण लेने वाला यमराज हूँ। अब मैं अपनी भाषा में बात करता हूँ। हथियार फेंक, हथियार फेंक या काट दो इसे।
ऊपर वाला सबकी किस्मत सबके माथे पे लिखता है, पर मेरी किस्मत इन लोगों की तलवार पर लिखी हुई है। यहाँ तो हर किसी की शक्ल यमदूत जैसी लग रही है, इनके आगे कितना भी सर फोड़ लो मेरी मौत के पीछे ही पड़े रहते हैं। इंसान जो कहता है वो यहाँ नहीं, यहाँ महसूस होना चाहिए। मैं अभी आता हूँ। रजू भाई, तुम लोगों को उसकी जरूरत है ना, तो वो है ना यहाँ। जब देखो तब हथियार दिखाते रहते हो। रखो इसे अपने पास। पता नहीं कब ऊपर वाला मुझे बुला लेगा। जब देखो ये लोग डराते रहते हैं यार। इसीलिए तो मुझे ऐसे लोग फिट रहते हैं। इंसान को हमेशा टाइट रहना चाहिए। और तू तो बार बार इतना रो क्यों रहा है मेरे यार? तुझे तो पता तेरी मौत कन्फर्म है। कल सुबह बलि देने के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं? सारी तैयारियां हो गई हैं। चिंता मत कीजिए, कल सुबह का सूरज निकलते ही उस लड़के का अंत हो जाएगा। बर्दाश्त कर लो अनीता, बर्दाश्त कर लो। तुझे ये बात पहले ही सोचनी चाहिए थी। हमारे जंगल वही आता है जिसकी आयु समाप्त होने वाली हो। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे लोग उसे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। या तो तू एक काम कर, उसे यहाँ से लेकर चली जा, और कोई चारा नहीं है। कोई स्वार्थ देखकर किया गया प्यार रेत के महल की तरह होता है। उसे ढहने के लिए पत्थरों की जरूरत नहीं, दो बूंद आंसू ही काफी हैं। वो बेचारे यहाँ से बचकर निकलने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। हमारे गांव के लोगों का कठिन तपस्या के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उसे मैं दो दिन के प्यार के लिए बर्बाद नहीं करना चाहती। उसकी जान लेने से पहले मैं अपने आप को ही खत्म कर दूंगी। किसी की जान नहीं जाएगी। मौत का ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारे पिताजी ने। पहाड़ जैसे प्यार के सामने ये चूहे जैसा डर मत पालो। अरे तुम इसकी कैसी सहेली हो? तुम्हें इसके आंसू पोंछकर, इसे सहानुभूति देकर हिम्मत बढ़ानी चाहिए। ये तुम्हारा फर्ज है। ये काम आपका ही है, सोचकर मैं खामोश थी। आपको मेरी मदद चाहिए तो नहीं, नहीं नहीं, रिलैक्स। जो काम मैं कर सकता हूँ वो आपके बस में नहीं है। इसे अब मेरी जरूरत है तो इसे मैं संभालता हूँ। अब आप यहाँ से जाइए। वाह, हमें ही अलविदा कह दिया। हृगशिरा गांव का सर्वनाश करने के लिए आया हुआ अविनाश हूं मैं। तुम्हें मुझसे तुम्हारे भगवान भी नहीं बचा सकते। पंडित जी, क्या आपको सामूहिक श्राद्ध करना आता है? रहने दो, छोड़ो इनका श्राद्ध क्या करना। इस जंगल में आने वाले किसी भी इंसान को तुम लोग जिंदा नहीं छोड़ते हो ना? मेरे जवान भाई को तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। जंगल के उस छोर से लेकर इस इलाके में हर किसी को जिंदा जला दूंगा। तुम्हारे आंखों के सामने
तुम्हारे बच्चों की चिता जलाऊंगा, तब समझोगे जिंदगी की कीमत। मौत को मात देकर मर्द की तरह आज तक हम जीते आए हैं। इस यम के सामने असली यम भी आने में घबराता है। यमराज घबरा रहा है, इसीलिए मुझे भेजा है तुम सबको पाताल में भेजने के लिए। आंखों से बहते आंसू रोकने की हिम्मत मुझ में नहीं है मुखिया जी, लेकिन उसमें छुपी हुई ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं पढ़ सकता हूँ। आप लोग इसकी बलि देना चाहते हैं ना? बेशक दे दीजिए, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा ये पहले मुझे बताना होगा, उसके बाद इसे ले जाइए। इसके भी तो माँ बाप हैं, वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा बेटा कब लौटेगा। क्यों तुम सब संसार से मुंह मोड़कर जानवरों की तरह जी रहे हो? कौन सा राज है ऐसा इस गाँव का? बताता हूँ, उगता सूरज जब अपनी चमकती आंखें खोलता है तो सिर्फ इंसान ही नहीं पूरा संसार ही जगमग जगमग करने लगता है। लगभग 200 साल पहले
ब्रिटिश ने जब हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया था तब कुछ देशद्रोहियों ने फिरंगियों के साथ मिलकर हिंदुओं के मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त कर रहे थे। उस समय हमारे राज्य के राजा के पास वो शिवलिंग था जिसकी पूजा साक्षात श्री रामचंद्र जी करते थे। उसे ध्वस्त करने के लिए जब नवाब लोग आए तो राजगुरु जी ने हमारे वंशजों पर विश्वास करके फिर से इस जंगल में उस शिवलिंग की स्थापना की। नवाबों के दिए लालच में पड़कर हमारे पूर्वज राजा बनने का सपना देख हमारे महाराज को और उनके सैनिकों को मंदिर में ही समाप्त कर दिए। उस समय राजगुरु जी ने श्राप दिया कि जिस तरह इस मंदिर की पूजा आधे में रुक गई है उसी तरह तुम्हारी आयु भी आधे में ही समाप्त हो जाएगी। जिस स्थान को पुण्य क्षेत्र बनना था उसे तुमने शमशान बना दिया। जब तक तुम्हारे मन से लालच खत्म नहीं होता तब तक ये मंदिर किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद भूकंप आया और ये मंदिर धरती में समा गया। उनका श्राप हम आज तक भुगत रहे हैं। यही है सच्चाई। उनके दिए हुए श्राप की वजह से हम पूरे गांव वालों की आयु कम हो गई है। एक बात बताइए, आपकी कहानी से इस बेचारे का क्या मतलब है? आखिर इसकी बलि क्यों चढ़ाई जा रही है? महालक्ष्मी का जन्म जिस दिव्य मुहूर्त पर हुआ है उसी मुहूर्त पर जो इंसान पैदा होगा और जिस पर लक्ष्मी जी की निशानी होगी उसकी बलि से हमें मंदिर मिलेगा। इस लड़के के शरीर पर लक्ष्मी की निशानी है। मुझ में? क्या इसमें लक्ष्मी की निशानी है? इसके अंदर? मेरे पापा हमेशा मुझसे एक बात कहते थे कि वो पहले एक ऑटो ड्राइवर थे लेकिन मेरे पैदा होने के बाद वो करोड़पति बन गए क्योंकि मेरी कुंडली में लक्ष्मी की निशानी है। मेरे पापा ने कंफर्म करने के लिए 50 जगह कुंडली दिखाई थी। सभी लोगों ने एक ही जवाब दिया। मेरा जन्म हुआ था श्रावण के शुक्रवार को, वो भी गोधूली के समय। तुम्हारी आयु बहुत लंबी है। मेरे गलत निर्णय के बावजूद उस भगवान ने तुम्हें बचा लिया। अच्छा बेटा, हमें जिस खून की तलाश थी वो हमें इसके कपड़ों पर क्यों मिले, बताओ? कपड़ा तो मेरा ही था लेकिन उसमें खून प्रजू का था। एक्सीडेंट के बाद जब इसने मुझे संभाला तो उसका खून मेरे कपड़ों पे आ गया। अगर आपको किसी की बलि देनी है तो इसकी नहीं, मेरी दीजिए। नहीं बेटा, तुमने हमारे गांव के बच्चों को बचाया। ये पूरा गांव तुम्हारा कर्जदार है। भले ही हमें हमारा मंदिर ना मिले परवाह नहीं, जैसा चल रहा वैसा चलने दो। हमारे साथ जो होना है होने दो, हम सब सह लेंगे। बलि देने का फैसला करने के बाद आपका ये निर्णय करना उचित नहीं है। जिस तरह मैंने बच्चों की जान बचाई है उसी तरह आप सबकी जान बचाऊंगा। अगर मेरी एक ही आयु कम होने से आप सब गांव वालों की आयु बढ़ जाती है तो मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। नहीं नहीं बेटा। प्रजू, 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 तुम्हारे सर पाप चढ़ने नहीं दूंगा। नहीं बेटा, प्रजू, बेटा, मेरी बात सुनो। नहीं बेटा, सुनो, बेटा, रुक जाओ। तुम सबकी जिंदगी मेरी मौत से बढ़ेगी लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे मरने के बाद आपको आपका मंदिर मिलेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दोस्तों को यहाँ से सही सलामत जाने दिया जाए। ये गांव भी हर गांव की तरह आजाद होना चाहिए और मेरी बलि इस गांव की आखिरी बलि होनी चाहिए। आज का मुहूर्त निकल चुका है और कल एकादशी है। मेरे हिस्से में वैकुंठ एकादशी है। जो भी मैंने सुना क्या वो सच है? आगे क्या होगा ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं अनीता, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे अंदर सच में लक्ष्मी की निशानी है क्या? अगर मैं मौत का नाटक करूंगा तो तुम्हारे गांव वालों को मंदिर मिल जाएगा? मतलब तुम यहाँ मरने के लिए आए हो क्या? अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मुझसे प्यार क्यों किया? तुम्हें देखते ही अपना समझने वाला मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहकर सांसें लेता रहूंगा। मैं जानता हूँ अनीता, तुम्हारे मांगल्य दोष के निवारण के लिए कल दशमी के दिन तुम्हारा विवाह निश्चित किया है। मुझसे शादी करके 2 दिन सुहागन रहने से बेहतर है किसी और से शादी करके सुखी रहो। मुझे माफ कर दो अनीता। हमारे बच्चों को जिसने बचाया उसे हम ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। हम लोग कहीं भी जाएंगे सुकून से नहीं रह पाएंगे। हम पर जो श्राप है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बात समझते क्यों नहीं? देखो आनंदी अम्मा का बेटा लकवा मारने की वजह से कितना तड़प रहा है।
कल सुबह लक्ष्मी की निशानी वाले लड़के की बलि देनी होगी, तभी हम सब सुकून से जी पाएंगे। वो लड़का यहाँ इसीलिए आया है ताकि अपनी जान देकर हमें खुशियाँ लौटा दे। ये विधि का विधान है, उसे हम नहीं बदल सकते। तो दो तीन दिनों से कुछ भी नहीं खाया, पता नहीं ये पेट में गड़बड़ क्यों हो रही है। आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। आप लोग इस तरह कमजोर पड़ जाएंगे तो मेरा क्या हाल होगा? ये तो प्रजु की आवाज लग रही है। बेटा जो परसों होने वाला है उसे सोचकर दिल घबरा रहा है। डरने की जरूरत नहीं, यहाँ जो कुछ भी होना है वो होकर ही रहेगा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या था और अब तुम कर क्या रहे हो? मैंने जो फैसला किया है मैं वही कर रहा हूँ। देर आपकी तरफ से हो रही है। जीप में जो सामान रखा था अगर वो मुझे मिल गया होता तो कहानी कुछ और होती। ओहो, उस जीप को ढूंढने के लिए कितने लोगों ने कोशिश की। इस बैग को किसी तरह मैं छुपा कर तुम्हारे पास लाया हूँ। अब देर मत करो, देर किया तो सब आ जाएंगे तुम्हारा सिर काटने। मुझे मेरा ये बैग मिल गया, समझ लो सारा काम हो गया। शिवलिंग गांव वालों का और उसकी सारी लक्ष्मी हमारी। यहाँ जो खजाना है उसे पाने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये बात तुमने किसी को बताया तो नहीं? बिल्कुल नहीं। रजू, गोपी, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? कहते हैं शैतान फरिश्ते का रूप लेकर आता है, वो आज देख भी लिया। तू अपने स्वार्थ के लिए, दौलतमंद बनने का सपना पूरा करने के लिए मेरी बलि चढ़ा रहा है? ए, नहीं यार, वो तो यही कहूंगा, ये सोचा था ना, मौत के मुंह में लाया इसी ने और बचाया भी इसी ने। तुमने वो मुझे जो टैबलेट दी थी ना, उससे मेरे शरीर में दाग आ गए थे। सबको लगा माता आ गई है। तू सच में यारों का यार है। इस गांव और यहाँ के मंदिर के बारे में तुझे पहले से पता था क्या? मैंने बहुत दूर तक स्टडी की है जिससे मैं हालत का सही ढंग से सामना कर सकूं। जब गुरुजी ने मुझे ये बात बताई कि उन्हें आकस में ताम्र पत्र मिला है, तब मैंने सोचा कि उस पर गांव वालों की जगह हमारा अधिकार हो, इसलिए हर हाल में मुझे गांव में पहुंचना था। मुझे दो लोगों की जरूरत थी इसलिए मैंने तुम दोनों को अपने साथ ले लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली भी मैंने ही मिलाई और जीप को खाई में मैंने ही गिराया। दो जन एक जगह पड़े हैं, एक लड़का दूसरी जगह पड़ा है। मंदार कोली नाम का एक आदमी आया था, उसने हमें बताया मंदिर हमें नहीं मिले इसलिए वो मंदिर इधर से उधर और उधर से इधर खिसकता रहता है। लेकिन ताम्र पत्र में लिखा है कि गरुड़ प्रदक्षिणा करते हुए परशुराम बनकर उस मंदिर की रखवाली कर रहा है। तब से मैं उस जगह को ढूंढ रहा हूँ। अब आगे? हाँ, हमारी मंजिल अब दूर नहीं है। शिवाजी मोहपट है, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक शिवाजी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। गोपी, तुझे ये जगह तो याद है ना? उस रोज जब हम रास्ता भटक गए थे तब तूने इसी पेड़ पर मार्क लगाया था। और ये? यहीं पर तो वो हथियार मिला था। करेक्ट, उस वक्त गरुड़ यहाँ पर प्रदक्षिणा कर रहा था। मंदिर जमीन के ऊपर रहे या नीचे रहे, गरुड़ सुबह शाम उसकी प्रदक्षिणा करता है। इसका मतलब मंदिर यहीं कहीं पर है। प्रजु, जो ताम्रपत्र मुझे मिला है उसमें साफ लिखा है जहाँ अस्त्र मिला है मंदिर भी वहीं है, मतलब मंदिर यहीं आसपास ही है। वो तो हमें इस मेटल डिटेक्टर से पता चल जाएगा।
100% मंदिर इसी जमीन के नीचे है। इसे मेटल पुलर कहते हैं। जमीन के नीचे मेटल कितने भी नीचे क्यों ना हो, ये उसे ऊपर खींच लेता है। आ जाओ, चलो पीछे हो जाओ। कमाल हो गया यार, जिसके लिए ये लोग हमें मारना चाहते थे उसे कितनी आसानी से तुमने ढूंढ लिया। मंदिर। गुरुजी, आप यहाँ ध्यान रखिए, हम अंदर जाते हैं। चल गोपी। गोपी, बैग। ये तेरी कैसी लीला, इतने साल से जो तेरी पूजा करते आए हैं उन्हें तूने एक सिक्का भी नहीं दिया, और हमें इतनी दौलत, इतने दिनों से की हुई मेहनत को आज आपने अंजाम दे दिया। वैसे खजाने पर किसी का नाम तो नहीं है, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ, गलती होगी तो माफ करना। ए, तू चोर नहीं है, तू खिलाड़ी है। यस। ए, ये सब अभी ले चले। तुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है? नहीं तो कल ये गांव वाले ही हमें बाहर जाने का रास्ता दिखाएंगे। फिलहाल हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। चल अब निकलते हैं। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? आवाज आ रही है। क्या मुझे बता गई? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से हमारे गांव पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? चलो चलकर देखते हैं। पता नहीं ये किस बला की आवाज है। अरे ये कौन है? ये हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार ये हा? अरे सुना नहीं उसे? अरे शौक लगेगा। अरे ये क्या कर रहा है तू? सर मेरी बात सुनिए, मैं इंजीनियर हेनरी रॉबर्ट हूँ, अमेरिका से आया हुआ साइंटिस्ट हूँ। नासा जो हमें सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ इसरो तक पहुँच ही नहीं रहा, सब इस जंगल में आकर के गायब हो जाता है। इसरो को कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, यही पता करने के लिए मैं यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ। परेशान मत हो। होए हुए भगवान, हमें वापस मिल गए। भगवान से हमारा दुख देखा नहीं गया और उन्होंने तुम्हें भी बचा लिया बेटा। हे भगवान, हम क्या कर सकते हैं मुखिया जी, ये सब तो इसी की महिमा है। अपना दर्शन देने के लिए तुमने हमें कितने सालों तक इंतजार करवाया भगवान। सब भगवान की महिमा समझकर बहुत खुश हो रहे हैं, सच्चाई इन्हें क्या पता। I'm Henry, Henry Robert. How are you? Fine. तुम सच में अमेरिका से आए हो? सर, ये आपके फ्रेंड है क्या? लगता है आपने इन्हें सारी सच्चाई नहीं बताई। कुछ लोग थोड़ी सी बात में सब कुछ समझ जाते हैं और कुछ पूरी कहानी बताने के बाद भी नहीं समझते। मेरी एक्टिंग कैसी थी? सुपर, वेलकम। सर इसका भाड़ा कब मिलेगा? बेंगलोर में दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू, चलता हूँ। ये भी तेरा चला जा। कमाल हो गया। बेटा जरा सुनो, अगर मैं तेरी जान ले लेता तो उसे लौटाने की शक्ति मुझ में नहीं होती, पर आज मैं उसी भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, तुम लोग सदैव खुश रहो। सुनो बेटा,
उस दिन जब तुम बेहोशी के हालत में मुझे मिले थे तब तुम्हारी एक चीज मुझे मिली थी। नहीं मैंने पीना छोड़ दिया, शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम बेबी, इसे तो जन्नत कहते हैं। हमें तो हमारा भगवान दे दिया, परंतु तुम यहाँ अपनी देवी को छोड़कर कैसे जा सकते हो? भाई मुझे नाटक करना नहीं आता, लेकिन उस दिन सिर्फ दिखाने के लिए मुझे इसके साथ शादी का नाटक करना पड़ा। खुश रहो। मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। अरे रुको, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ डार्लिंग बाय। रुको, रुको। तुम लोग यहाँ से जा रहे हो ना, अब मेरा भी काम है, मुझे मेन रोड तक ड्रॉप कर दो प्लीज। इसे जाने दो क्या? ठीक है जाओ, पहुँच के चिट्ठी लिखना। अरे ये क्या हुआ? तीसरा महीना। तीसरा महीना? अरे भाई इस भाई ने तो सोमड़ी में कोमड़ी पका ली। छोड़ो छोड़ो, अरे अरे छोड़ दो मुझे, मुझे यार इसका बाप नहीं बनना। अरे अरे मुझे भी ले चलो, क्या कर रहे हो, मुझे भी ले चलो। दिन में 18 घंटे बोझा ढोने वाला राजा नहीं बन सकता, लेकिन दिन में 18 घंटे सोने वाला शेर जंगल का राजा कहलाता है। बेवकूफ के हाथों में मोती नहीं लगते, लेकिन जो अक्लमंद होते हैं भगवान उन्हीं के दिल में बसते हैं। ये सृष्टि का नियम हो ना हो, लेकिन जिंदगी का हिस्सा जरूर है।